हेलो एवरीवन, नमस्ते जी सभी को। तो आज है गोवर्धन, हैप्पी गोवर्धन सभी को। तो कल तो हमने किया नहीं क्योंकि 1 तारीख की मामस थी, तो आज कर रहे हैं। और सुबह सुबह उठकर सारा घर का काम कर दिया जो भी साफ़ सफाई होती है, और अभी नहाकर आए हैं और पूजा करेंगे अब। विनायक को मीठा खाना बहुत पसंद है, तो सुबह सुबह ही बालू साईं लेके बैठ गए। कह रहे हम तो सारी खाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी और हम पूजा कर रहे हैं। हमने लड्डू गोपाल जी को भी निला दिया। तो आज शनिवार है, तो मम्मी चालीसा का पाठ कर रही है। और मम्मी सुबह सुबह ही हमने गोबर मंगा दिया था और यहाँ पर ढक के रख दिया हमने ये गोबर, क्योंकि मच्छर आ जाते हैं। और विनायक इधर उधर साइकिल गेरते रहते हैं और चलाएंगे तो इधर उधर मारते रहेंगे। ऐसे ही सुबह सुबह अपनी साइकिल को इधर उधर घुमाते रहते हैं। अभी स्कूल की छुट्टियां हैं तो इस वजह से मस्ती चल रही है विनायक की। तो यहाँ पर मम्मी ने पूजा भी कर ली थी और फिर विनायक के पापा जी सुबह सुबह कहीं गए थे, वो भी आ गए थे। और यहाँ पर आज हम पेठे की सब्ज़ी बनाएंगे सीताफल की। तो यहाँ पर हमने कट कर लिया था और सिंपल से मसालों से हमने सब्जी को भून छोक दिया। और यहाँ पर विनायक के पापा जी को मिला था ये गिफ्ट। और यहाँ पे हमने चीनी भी डाल के अच्छे से भून लिया इन्हें, और ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगी यहाँ पर सीताफल की। तो ऐसे तो हमारी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, हम ऐसे बनाते हैं। खटाई में हमने अचार डाल दिया था, वैसे खटाई नहीं थी। और सुबह के मॉर्निंग के बर्तन वगैरह थे वो भी हमने साफ़ कर दिए। और यहाँ पर लंच रेडी हो गया था हमारा, हमने अपनी और विनायक के पापा जी की थाली लगा ली थी। तो विनायक बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। हम विनायक को यही बताते हैं, विनायक बेटा जब भोजन करते हैं तो प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए हाथ जोड़ के। तो विनायक कभी कभी मस्ती में आ जाता है, कभी प्रार्थना कर लेता है। तो विनायक के पापा जी विनायक से प्रार्थना करवा रहे हैं, तो विनायक बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने सबने भोजन खाया, और करने के बाद फिर उसके बाद हम 3 बजे गोवर्धन बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो गोवर्धन हमारा आधा बन गया था। और पहले तो हम वैसे ही गांव के तरीके से बनाते थे, जैसे गांव में बनता है, सिंपल तरीके से ऐसे ही बना लेते थे। तो 2 साल से हम ऐसे बनाने लगे जैसे गोवर्धन बनाते हैं, मतलब पर्वत उठा के कान्हा जी को बाके बिहारी, तो ऐसे ही बनाने लगे हम। तो पिछले साल तो दीदी और हमने साथ में मिलके बना लिया था, तो अब की बार अकेले पढ़ रहे थे तो बहुत टाइम लग गया था हमें। 3 बजे से 6 बजे तक का बहुत टाइम लग गया था। तो धीरे धीरे देख देख के बना रहे हैं कि आगे मिस्टेक है हमसे जैसा बनेगा। हम तो पहले ये सोच रहे थे कि बनेगा नहीं क्योंकि हमने बनाया नहीं है इस वजह से, लेकिन हमने देख देख के बना लिया और यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया था। अब इनमें कलर करने की बारी आई थी, तो यहाँ पर हम कलर कर देंगे। और देखिए हमने कलर कर दिया, और जो खील होती है उससे हमने इनकी लाइनिंग वगैरह मतलब फेस की और इनकी बना दी थी। और पर्वत पे हमने पत्ते रख दिए थे, तो विनायक भी उठ गए थे। देखो अंधेरा हो गया था हमें बनाते बनाते, और फिर अभी हमें भोजन भी बनाना था, तो विनायक ने भी हमारी थोड़ी सी हेल्प करी लास्ट में। तो यहाँ पर हमारा गोवर्धन पूरा हो गया था, बहुत सुंदर लग रहे थे हमें तो। और विनायक के पापा जी तो ये कह रहे थे कि बाके बिहारी का रूप लग रहा है, बिल्कुल ऐसे खड़े हैं बाके बिहारी की मतलब तरह, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो हमने मम्मी से बनवाई है और इधर उधर घुमा रही थी मम्मी। देखो कान्हा जी बन गए, गोवर्धन रुक जा बेटा। हमने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। मम्मी ने दाल रख दी थी और चावल भिगो के रख दिए थे खीर के लिए। तो हमारे यहाँ तो दाल और खीर और रोटी बनती है, तो हमने दाल फ्राई कर ली। इधर हमने खाना रेडी कर दिया, अब पूजने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर पूजेंगे, सामान सब लेके आएंगे। तो विनायक का बैग वगैरह भी रख दिया, तो विनायक कह रहे थे कि मम्मा क्यों रख दिया। तो यहाँ पर पूजने की तैयारी चल रही है। फिर विनायक के पापा जी ने गंगा जल का छींटा मारा,
और यहाँ पर दीपक भी प्रज्वलित कर दिया था और साथ में पूछेंगे। और पारस और भैया को वीडियो कॉल कर ली थी, वो भी साथ में पूजा करेंगे। तो यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई है। गन्ने भी ले आई थी मम्मी दो, और विनायक को कहे थे चप्पल दूर निकाल के आओ। और यहाँ पर पूजा कर रहे हैं सभी बैठ के। की जय, ई जय, पति की जय। जी की जय, की जय, की जय। नंदी की जय, राज की जय। भोग लगा दो जी आप, एक बार भोग लगा दो। भगवते वासुदेवा, भोग लगाओ मेरे को आओ। पूजा होने के बाद सबको भोजन दे दिया और फिर हमने भी खा लिया था, विनायक को भी खिलाया। और फिर विनायक भी सो गए थे, मम्मी भी, सब सो गए थे। फिर उसके बाद हम भी अपना किचन का काम करके गोवर्धन जी के पास आ गए थे। तो इनके पास बैठे रहे बहुत देर तक, ऐसा लग रहा था सच में हमारे घर कान्हा जी आए हैं। इतना सुंदर रूप लग रहा था इनका, बहुत सुंदर रूप लग रहा था। जैसे रूप नहीं आ जाता ऐसे रूप आया हुआ था इन पे बाके बिहारी का। और विनायक के पापा जी तो यही कह रहे थे कि इनकी आंखें बिल्कुल बाके बिहारी की तरह लग रही है, बहुत सुंदर आंखें बन गई थी इनकी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना हमारे गोवर्धन कैसे लगे। ओके बाय।